जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 6 में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग है और इस कैबिनेट मीटिंग का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैसला आज आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इंतजार कर रहे छात्र दरोगा सिपाही की बहाली को लेकर वहीं पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि शिक्षक वर्ग है वो भी इंतजार कर रहा है कि हमें नौकरी मिलेगी। तो आज इस कैबिनेट मीटिंग का एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, चलिए उसके बारे में एक न्यूज अपडेट देते हैं जो कि बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर अभी थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान खबर ने पब्लिश किया है। लेकिन उससे पहले जो भी छात्र बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी करते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए दिए गए नीचे लिंक के बटन से। आप वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये आपको अगर ये दिख रहा है बिहार दरोगा के लिए टेस्ट प्रैक्टिस सेट, तो इसको आप लोग ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। और जितने भी क्यूजेस आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं उन सबके पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल होंगे, तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं आपको, इस 20 प्रैक्टिस सेट में आपको जो है सॉल्यूशन के साथ आपका पूरा सेट दिया गया है। लगभग 2000 क्वेश्चन आपको यहां से मैंने दिए हैं करके, तो आप इसको देखिए। प्रीवियस ईयर का पेपर भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो दरोगा की बहाली के लिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब सीधे खबरों पे ले चलते हैं और खबरों की बातें करते हैं, और जो भी अपडेट है हम आप तक साझा करने का एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा बिहार के शिक्षक वर्ग के छात्र जो कि इंतजार कर रहे हैं बिहार में इस बहाली को लेकर क्या अपडेट दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बैठक होने जा रही है दोस्तों, ये नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग है जहां पर नई शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर इस प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर यह बताया जा रहा है। चलिए इस न्यूज को समझते हैं दोस्तों, और इस न्यूज में क्या अपडेट किए गए हैं इस न्यूज को भी हम लोग समझने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो है अपडेट मैं आपको थोड़ा सा न्यूज को जूम करके ही देख ला देता हूं। देखिए ये जो मीटिंग हो रही है दोस्तों, ये मीटिंग है आज की, और ये सोमवार को होने वाली जो मीटिंग है राज्य सरकार कर्मचारी जो कि विभाग है उसकी महंगाई भत्तों को लेकर बढ़ोतरी को लेकर, इसमें भी कुछ आवंटन यानी कि बजट में द्वारा जो पेश किए गए थे राशियां वो मिल सकती हैं। हाल ही में केंद्र और अन्य राज्यों की सरकारों ने डीए में बढ़ोतरी की बात की है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी है जिनको कि यहाँ पर उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो यहाँ पर अपना डीए बढ़ाकर दे दिया है, इस बार उनकी सैलरी भी बढ़कर आएगी। राज्य सरकारों में अभी बिहार की जो है अपडेट बाकी है, झारखंड के बाकी हैं और भी अन्य राज्य हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ये यहाँ पे मुहर मिल जाए, यहाँ पे मुहर लग जाए इस चीज पे। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी अध्यक्षता में सोमवार को आज यानी कि कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, और इसमें जो है नई शिक्षक नियोजन नियमावली, चूंकि ये तैयार है रोस्टर सारा आपको भी पता है, और यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो चंद्रशेखर जी, इन्होंने भी अपडेट दिया है कि सब कुछ तैयार है, तो इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राज्य के लाखों अभ्यर्थी जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके लिए शिक्षक नियोजन नियमावली जो है अहम मायने रखती है, जिसको लेकर यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्तों को लेकर डीए को बढ़ोतरी को लेकर भी एक सौगात दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि ये न्यूज पेपर जो है हिंदुस्तान खबर का है और ये हिंदुस्तान खबर का वेबसाइट है, आप भी आके यहाँ से देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताएं कि नीतीश कुमार की बैठक में सोमवार 5:30 बजे से, जी हाँ, शुरू होने जा रही है आज। इसमें विभिन्न विभागों को कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि कई नई शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर इसमें बैठक पे चर्चा होगी और कैबिनेट के सामने ये रखा जाएगा। राज्य में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के आसार हैं, और यहाँ पर जो नया नियमावली है वो क्या है वो समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नियोजन की नई नियमावली तैयार है। 7वें चरण की ये प्रक्रिया जो है शिक्षक बहाली के लेकर तैयार की गई है, जो कि इसी के अनुसार जो है आपका 7वें चरण की जो शिक्षक की भर्ती है वो ली जाएगी। नए नियमावली में अभ्यर्थियों को यहाँ पर सुविधाएं हैं और नई व्यवस्था पारदर्शी होगी, ऐसा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। और आपको बता दें कि इसमें नियोजन इकाइयों में करीब 9,222 से घटकर 38 रह जाएगी। ये क्या है भाई? तो ये जो है नियोजन इकाइयां हैं, क्योंकि पहले इन सभी नियोजन इकाइयों के माध्यम से आपका चयन किया जाता था, आपसे आपकी काउंसलिंग कराई जाती थी और आपका रिक्रूटमेंट किया जाता था। इसमें क्या होता था कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी, जो भी जिसके रिलेटिव हैं, जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता था यहाँ पे पैसे के दम पे कह लीजिए या फिर बैकडोर एंट्री कह लीजिए।
लेकिन अब ये नियोजन इकाइयां 9,222 से घटकर सिर्फ 38 रह गई हैं और इसके ऊपर सरकार की नजर रहेगी। यानी कि हर जिले में सिर्फ एक नियोजन इकाई होगा, जिस जिले से आप हैं उस जिले में जाके आप आवेदन कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा, जिसमें कि अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा, है ना, हर अपने जिले के लिए। पहले अभ्यर्थियों को अलग अलग इकाइयों में ये सारी चीजें करनी होती थी, लेकिन अब जो है ये आपको अपने इकाइयों में जाके ही ये सारा अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब आप अपना जो है इकाई में आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ओके, तो दूसरी ओर यहाँ पे देखिएगा महंगाई भत्ते को लेकर जो अपडेट दिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ। यहाँ पर जो है दूसरी ओर यहाँ पे सोमवार को होने वाली जो बैठक है, इस बैठक में राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से बड़ा बढ़ोतरी के सौगात मिल सकते हैं। हाल ही में ये जो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाए हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार बढ़ाया है तो राज्य में भी ये बढ़ना चाहिए। बिहार के कैबिनेट की इस बैठक की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा रोजगार और अन्य मसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बिहार में दरोगा और सिपाही बहाली को लेकर भी कुछ नए अपडेट देखने को आज मिल सकते हैं। तो शाम को ये रिपोर्ट जैसे ही इसका आउट होगा दोस्तों, हम आप तक ये सारी चीज़ साझा करेंगे, ये सारी चीज़ खबरें हम लेकर आएंगे आप लोगों तक ये सारी बातें हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस छोटे से न्यूज़ अपडेट के माध्यम से जो भी अपडेट हमें मिल पाए हैं हमने आप तक साझा किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और इस बैठक के जो लास्ट मीटिंग का जो अपडेट है वो आपको ऑफिशियल आएगा, जो कि आपके बिहार जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा। तो हम आप तक ये सारी चीज़ें साझा भी करेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और नीचे दिए गए लिंक के जरिए जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।